अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबाना और मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेज, जो कि खाने में बड़ी ही मज़ेदार होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, जिन्हें अच्छे से धो के मैंने काट के रखा है। 250 ग्राम मैंने मटर ली है, 250 ग्राम मैंने गाजर ली है, इसे भी छोटा छोटा काटा है, और एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है। 2 बड़े चम्मच मैंने धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने छोटा छोटा काटा है। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है, जिन्हें पतला पतला लंबा लंबा मैंने काटा है, और 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिन्हें मैंने स्लाइस में इस तरह से काट लिया है। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर है, और 1/2 चम्मच मैंने हींग ली है, और 1 चम्मच कसूरी मेथी है। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और एक कढ़ाई रखी है इस पर, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच ऑयल, और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा हो चुका है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा, के अंदर ऐड करूंगी मैं आलू। तो हमारी बाकी की वेजिटेबल है, इन्हें भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हल्दी और नमक, और इसे करेंगे हम मिक्स। मिक्स करने के बाद इसे हम 3 से 4 मिनट तक हल्दी, नमक और इस तेल के अंदर इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, और इन्हें अब निकाल लेंगे हम बाहर। ये देखिए, इनके अंदर जो पानी होता है वो सारा पानी खुश्क हो चुका है, और इनका कलर भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और इसी कढ़ाई के अंदर हम फिर से ऑयल डालेंगे। मैंने इसके अंदर 3 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर डालेंगे हम प्याज, जो हमने पहले से काट के रखी हुई थी, और इसे हम सुनहरा होने तक अच्छे से तल लेंगे। प्याज हमारी सुनहरी हो चुकी है और अच्छे से भुन चुकी है, और इसे हल्का सा साइड में करेंगे, और इसके अंदर अब हम डालेंगे हींग। और अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हम 4 से 5 सेकंड के लिए अच्छे से इसके अंदर हम इसे भून लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटर, टमाटर के साथ साथ हम अपने इसके अंदर मसाले भी ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे हम भून लेंगे, और इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाएं। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर और गरम मसाला। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने हरी मिर्चें 2-2 हिस्सों में काट के रखी थी। और इसे हम 1 से 2 सेकंड तक के लिए अच्छे से चला लेंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी सब्जियां। और इसे करेंगे हम अच्छे से मिक्स। इस तरह से
मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा गिलास पानी, ताकि हमारी सब्जियाँ अच्छे से गल जाएं और हमारे जो ये आलू हैं ये भी अच्छे से गल जाएं इसके अंदर। और इसे अब हम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। और ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसे अब मैं ढक देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारे आलू और हमारी जो सब्जियाँ हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और गल जाएं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं, बाकी भी सब्जी हमारी अच्छे से गल चुकी हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा हम हाथ से रगड़ के डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसे भी कर देंगे हम मिक्स। ये देखिए सब्जी के अंदर से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुई है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया। और कर देंगे हम मिक्स इस तरह से। और इसे 1 से 2 सेकंड के लिए इसे ढक देंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे हम बंद। फिर हम आपको इसे सर्व करके दिखाएंगे। और अब इसे हम सर्व करेंगे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। तो ये लीजिए हमारी मिक्स वेज बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होती है। आप भी अपने घर में बनाइए, सबको खिलाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।